क्या पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और माता प्रमिला देवी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जी हाँ, हमारे सोर्सेस की माने तो इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहती और तो और प्रमिला देवी और ज्योति सिंह एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना पसंद करती। आपको बता दें कि इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है, पवन सिंह की माँ कुछ ज्यादा ही सख्त है और तो और पवन सिंह अगर सुनते हैं तो अपनी माँ की ही सुनते हैं। ये सारी बातें इन दोनों के बीच खटास का कारण बनी हुई हैं। आपने पिछले बार भी देखा होगा कि पवन सिंह के चचेरी बहन की शादी में बलिया में रहते हुए भी ज्योति सिंह ने शिरकत नहीं की थी, जिसकी बातें मीडिया में खूब उड़ी थी। तब भी इस बात को दबा दिया गया और कहा गया कि पवन सिंह की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से पवन सिंह की पत्नी वहां आ न सकी। और अब छठ के मौके को ही देख लीजिए, जब पवन सिंह की मां छठ कर रही थी, पवन सिंह की पत्नी मायके में थी, बल्कि उन्हें होना चाहिए था पवन सिंह की मां के साथ आरा में। पवन सिंह की पत्नी ने बलिया में ही अपना छठ पर्व मनाया और उसके बाद उन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ भी एक फोटो पोस्ट की। वैसे देखा जाए तो जब पवन सिंह मुंबई में रहते हैं तो ज्योति सिंह और पवन सिंह ही ज्यादातर मुंबई में रहते हैं। उनकी माँ को मुंबई में बहुत कम ही देखा गया है, वो ज्यादातर टाइम अपने गाँव आरा में ही रहती है, या फिर माँ से मिलना हो तो पवन सिंह खुद ही आरा चले जाते हैं, लेकिन ज्योति सिंह को आरा बहुत ही कम देखा गया है। इसके पीछे एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि जब अक्षरा और पवन सिंह की लड़ाई हुई थी, ज्योति और अक्षरा का जो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते हुए सुनी जा सकती थी कि ज्योति सिंह को पवन सिंह से तो शादी ही नहीं करनी थी, ये शादी उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की है। तो क्या ये कारण है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह की मां के बीच पटती नहीं है? अब भाई जो भी हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है सास और बहू के बीच नोकझोंक और झगड़े की, क्योंकि हर घर में ये तो होता ही रहता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।